दोस्तों, अगर किसी गामा रे बर्स्ट आज के समय में धरती पर आकर टकराए तो क्या हम जिंदा बच पाएंगे? असल में ये डिपेंड करेगा कि गामा रे बर्स्ट आखिर धरती से कितने दूरी पर हो रहा है। अगर ये धमाका 3000 लाइट ईयर दूर से होता है तो ये उतना भी खतरनाक नहीं होगा, क्योंकि इसके ज्यादातर रेडिएशन हमारी धरती सोख लेगी। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा खतरा है सैटेलाइट्स को, जो बर्स्ट के कुछ ही सेकंड में पूरी तरह से तबाह हो जाएगा, और इस वजह से शायद पूरी दुनिया के इंटरनेट कनेक्शन भी रुक सकता है। लेकिन जब यही चेयर भी धरती से 500 लाइट ईयर दूर होता है, तब ये बाजी पूरी तरह से पलट सकती है। इस बार ये इतना खतरनाक होगा कि ये हमारी धरती का ओजोन लेयर को पूरी तरह से नष्ट कर देगा, और बिना ओजोन लेयर के धरती के लगभग 90% पेड़ पौधे मर जाएंगे, जिसकी वजह से पृथ्वी पे अचानक से ऑक्सीजन का मात्रा कम हो जाएगा, और बिना ऑक्सीजन के दुनिया के सब जीव धीरे धीरे मर जाएंगे। लेकिन ये होने में अभी भी लाखों करोड़ साल लग जाएगा, और तब तक इंसान शायद विज्ञान में इतना तरक्की कर लेगा कि हम रहने के लायक किसी और गैलेक्सी में चले जाएंगे।